हेलो एवरीवन, आई एम राजेश प्रसाद और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कोलकाता में घूमने वाली टॉप 5 बेस्ट प्लेसेस के बारे में। सो पहले नंबर पर है क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि बनाया गया था क्वीन विक्टोरिया की याद में, और ये बनना स्टार्ट हुआ था 1906 में और बन के तैयार हुआ था 1921 में। इसको जो बनाया गया था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनाया गया था। उसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे विलियम इमर्सन। उस वक्त जो इसकी जो कॉस्टिंग आई थी बनाने में वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए आई थी, और ये पूरा का पूरा मकराना मार्बल का बना हुआ है, जो कि इंस्पायर्ड है फ्रॉम द ताजमहल। और इसकी अगर मैं टाइमिंग की बात करता हूँ तो ये ऑल डे खुला रहता है एक्सेप्ट मंडे, मंडे वाले दिन ऑफ रहता है। और इसकी जो टाइमिंग है मॉर्निंग 10 o'clock से लेकर म्यूज़ियम की शाम के 5 बजे तक, और इसकी जो पार्क की जो टाइमिंग है वो 5:30-6 बजे सुबह मॉर्निंग में खुल जाता है और शाम के 6:30-6 बजे तक खुला रहता है। तो विक्टोरिया मेमोरियल काफ़ी फेमस प्लेस है इन तो कोलकाता में, और आप कभी भी कोलकाता जाते हैं तो विक्टोरिया मेमोरियल ज़रूर घूमें। तो हमारे सेकंड नंबर पे है अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन, जो कि खुला रहता है मॉर्निंग 9 o'clock से लेकर शाम के 5 बजे तक। ये कोलकाता का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट जूलॉजिकल पार्क भी यही है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 1266 नंबर ऑफ एनिमल और 108 स्पीसीज देखने को मिलेगी। आप कभी भी कोलकाता जाते हैं यहाँ पे चिड़ियाघर जरूर होके आइए। काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी फेमस और काफ़ी ओल्ड जगह है, और ये जो खुला था ये जूलॉजिकल पार्क 1 जनवरी 1876 के अंदर इसका ओपनिंग हुई थी। सो हमारे तीसरे नंबर पे है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, जो कि बनाया गया था रानी रशोमणि के द्वारा। इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 1855 के अंदर, और ये पूरा पूरा जो दक्षिणेश्वर काली टेम्पल है वो 44 acres के अंदर फैला हुआ है। इसके अंदर आपको 12 शिवजी की मूर्ति, एक राधा कृष्ण की मूर्ति जो कि माँ काली के भक्त थे, और एक आपको मेन काली जी का मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। और ये कोलकाता का काफ़ी पॉपुलर फेमस टेम्पल है। आप कभी भी कोलकाता जाते हैं तो प्लीज़ दक्षिणेश्वर जरूर जाएं, काफ़ी बेस्ट प्लेस है। और चौथे नंबर पर है साइंस सिटी, जो कि खुला था 1 जुलाई 1997 के अंदर, और यहाँ पर आपको साइंस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट साइंस म्यूजियम है। अगर आप कोलकाता कभी भी जाते हैं तो यहाँ ज़रूर जाइए। यहाँ पे आपको इवोल्यूशन ऑफ लाइफ देखने को मिलेगा, ए रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और जैसे आप एंटर करते हैं आपको साइंस पार्क देखने को मिलेगा। तो ये देखा जाए तो साइंस सिटी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है इन द कोलकाता में। अगर आप कभी भी कोलकाता जाते हैं तो यहाँ पर ज़रूर जाइए, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। फिफ्थ नंबर पर है दीघा बीच, जो कि कोलकाता से अप्रोक्स 180 किलोमीटर दूर है। आप बाई बस भी जा सकते हैं, बाई ट्रेन भी जा सकते हैं। आप वहाँ पर जाके दीघा में आपको सी बीच देखने को मिलेगा। वहाँ से आपको ओल्ड दीघा भी जा सकते हैं, न्यू दीघा भी जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट आप कर सकते हैं अगर आप दीघा जाते हैं, और काफ़ी बेस्ट प्लेस है दीघा जो सी बीच है। कोलकाता से आप 180 किलोमीटर के आसपास, ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो अप्रोक्स आपको 3.5 घंटे के आसपास लगते हैं। मॉर्निंग में आपको कोलकाता या फिर हावड़ा से ट्रेन मिल जाती है, आप वहाँ से जा सकते हैं। अब वहाँ जाके आप सनराइज़ सनसेट का जो व्यू है वो देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन लगता है। सागर की जो लहरें होती है काफ़ी खूबसूरत आपको वहाँ देखने को मिलता है। आप वहाँ पे फ़िश मार्केट भी है मुहाना के अंदर, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। अगर आप फ़िश खाने के शौकीन हैं या फ़िश देखने के शौकीन हैं, कैसे फ़िशिंग करते हैं, तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। दीघा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो भी कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है। सो आई होप कि जो वीडियो थी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, और इस तरीके की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप और भी किसी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट में करिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा आप कहाँ की और इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहते हैं। जो टॉप 5 मेन जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, उस सब चीज़ों के बारे में मैंने आप सभी लोगों से बात करी है। एक मैं दोबारा रिमाइंड कर देता हूँ, पहले नंबर पर है विक्टोरिया मेमोरियल, दूसरे नंबर पर है अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन, और तीसरे नंबर पर है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, और चौथे नंबर पर है साइंस सिटी, जो कि वही बेस्ट प्लेस है, और उसके बाद पाँचवें नंबर पर है दीघा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, आप कभी भी कोलकाता जाते हैं तो इन टॉप 5 बेस्ट प्लेसेस पर ज़रूर घूमिएगा। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि और कौन कौन सी बेस्ट प्लेसेस हैं फॉर फूड के लिए, और इसके अलावा भी और अगर आप बेस्ट प्लेसेस जाना चाह रहे हैं कि इन 5 प्लेसेस के अलावा और कौन सी बेस्ट जगह है जहाँ पे हम घूम सकते हैं, अगर आप जानना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं उसका भी आपको रिप्लाई करूँगा। आपको एक हो सकेगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो आप सभी लोगों को बना के दूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।